ड्रग्स कम करो अपने। मेरे भाई ने मेरी मम्मी को देखा, मेरी मम्मी ने मेरे भाई को देखा, मम्मी आगे कि सर ये ड्रग्स तो बिल्कुल नहीं, तो सुबह दिन में घर में खाना खाता है, रात को घर में खाना खाता है, तो ड्रग्स करने का टाइम कहाँ है, लिखते रहता है और फिल्म्स बना। नहीं नहीं रिया चक्रवर्ती की माँ ने भी ऐसे ही बोला था वो ड्रग्स नहीं करती, ये करते हैं, साले डायरेक्टर हैं। दोस्तों एक घटना बताता हूँ आज की, मेरे भाई का फोन आया मुझे देहरादून से, वो फिल्म मेकर है और इंडिपेंडेंट फिल्म्स बनाता है। कल उसकी वर्कशॉप हुई थी कि मिनिमम बजट में और माइक्रो बजटिंग फिल्म मेकिंग कैसी होती है, वर्कशॉप करता है और वो दिन रात लिखता रहता है, मेहनत करता है और अपना क्रिएटिविटी से कहानियां बनाता है, किरदार बनाता है, उनको जिंदा करता है स्क्रीन पे अपनी फिल्मों के द्वारा। तो उसके हुआ था बाल तोड़ हो जाता है, ऐसे स्किन में हो जाता है, फिर वो फूल जाता है, उसमें पस पस जम जाती है, बहुत कुछ होता है बाल तोड़ में, वॉल्केनो जैसा फीलिंग आता है बॉडी में। तो बाल तोड़ जब हुआ उसके, वो डॉक्टर पे गया एक देहरादून में। अब डॉक्टर का नाम बताऊं ना बताऊं, पता नहीं क्या करूं उसके साथ, लेकिन वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उसे देखा, थोड़ा लंबे बाल रखता है और पतला है वो, सब लोगों की अलग फिजिक होती है, सबकी अलग बॉडी टाइप होता है, बॉडी स्ट्रक्चर होता है, वो पतला है, जैसे मैं था पहले जब मैं कभी डांस इंडिया डांस या फिर मैं आया हूँ, आपने देखा होगा पतला सा लाल बाल हो रखे हैं, कीकड़ा स्लो मोशन कर रहे लाऊं पूरा, ठीक है वैसा टाइप का। तो वो भी वैसा ही है अभी, क्योंकि उसकी एज है, छोटा है वो, बहुत सिंसियर है, बहुत ही कॉन्शियस है, बहुत अवेयर है, बहुत वेल रेड है, पॉलिटिकली बहुत अवेयर है और बहुत लिबरल है। और वो गया डॉक्टर पे अपना बाल तोड़ दिखाने, मेरी माता जी के साथ, मेरी मम्मी के साथ। तो डॉक्टर ने उसे बोला, उसने डॉक्टर को बोला कि सर हेलो मेरा क्या हुआ, डॉक्टर ने उसे बोला क्या हुआ है। उसने बोला कि मेरा बाल तोड़ हो रहा है बार बार इधर, मेरे ख्याल से हीट से हो रहा है कि किससे हो रहा है। तो डॉक्टर ने उसे कहा कि ये डायरेक्टर लोग है, ये आर्टिस्ट है, ये करते हैं ड्रग्स। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये न्यूज चैनल्स हमारे देश के युवाओं और हमारे देश के माँ बापों और हमारे देश के जो भी मिडिल एज लोग हैं और जो लोग देखते हैं न्यूज तार तार के, जो मुर्गा लड़ाओ योजनाएं चल रही हैं वहां, जो कोई भी जब डिबेट करता है, कॉन्वर्सेशन करता है, कोई एक दूसरे की सुनता नहीं है और एक ही चीज आपके दिमाग में आपको ब्रेन वॉश कर रहे हैं वो टीआरपी के लिए, जो मुझे पता है मैं यहां पर हूं, उसका असर मेरी फैमिली तक हो रहा है। मेरे पे हो यार, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, मैं एकदम सॉर्टेड आदमी हूँ, मेरे को होते रह रहा था यार, मेरा क्या यार, दाल चावल खानी है, सो जाना है, फिर गांव उत्तराखंड चले जाना है, दोस्तों के साथ घूमना फिरना है, मेरे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता न्यूज में ये लोग क्या दिखा रहे हैं। बट स्टिल इसका असर अब मेरे घर वालों तक हो गया। डॉक्टर के पास मेरा भाई गया है इलाज कराने, एक बहुत वल्नरेबल स्टेज होती है वो, बहुत बहुत सेंसिटिव रहता है इंसान उस वक्त जब वो डॉक्टर के पास जाता है, अपनी माँ के साथ वो गया, डॉक्टर उसे बोल रहा है कि ये ड्रग्स करता है क्योंकि ये आर्टिस्ट है, ये डायरेक्टर है और ये रिया चक्रवर्ती की माँ ने भी बोला था वो नहीं करती, लेकिन देखो ना वो करिए, सब क्या चल रहा है, आप लोग कहाँ ध्यान दे रहे हैं, इंस्टेड ऑफ अपनी ग्रोथ, अपने अंदर का क्राफ्ट सुधारना या फिर अपने अंदर की ग्रोथ करना या फिर वर्ल्ड पीस की बातें करना या एनवायरमेंटल स्टडीज की बातें करना, दुनिया में पॉल्यूशन क्यों हो रहा है, पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, इकोनॉमी क्यों कम हो रही है, फार्मर्स के लिए हम क्या क्या पॉइंट्स लाए, आप लोग ये बातें कर रहे हैं यार इस स्टेज में, बिकॉज ऑफ ऑल दीज न्यूज रबिश। और मेरे घर तक आ गया ये जहर, तो मुझे थोड़ा बुरा लगा और मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश करी। हालांकि अभी आप एक हेलो की वीडियो भी बनाओ तो उसमें भी नीचे गालियां पड़ती हैं, बट मैं देखता नहीं हूं नीचे के कमेंट्स सही है, मेरे को देखता नहीं हूं मैं नीचे के कमेंट्स, बट मेरे घर तक बात पहुंच गई यार। मेरा भाई बाल तोड़ के ले गया था यार डॉक्टर पे, डॉक्टर का काम है इलाज करना, चेकअप, उसने चेकअप हाथ भी नहीं लगाया, उसने डायरेक्ट जजमेंट पास कर दिया, अपना पॉलिटिकल एजेंडा रख दिया वहां पर कि भाई रिया की माँ ने भी बोला था ड्रग्स नहीं करते, डायरेक्टर है, अच्छा लिखता है, अरे ये तो ड्रग एडिक्ट, अरे भाई तुम कहाँ क्या कर रहे हो यार। हमारे टाइम पे हमें टाइम नहीं होता था ये सब न्यूज़ देखने को और ये सब बातें करने का, क्योंकि हम अपनी कला में इतनी बिजी थे, दिन के 12-12 घंटे हम सिर्फ नृत्य करते थे, डांस करते थे, नाटक करते थे, दोस्तों के साथ बाहर जाके मोमो चाउमिन खाते थे, तुम लोग क्या कर रहे हो यार, कहाँ जाएगा हमारा यूथ।